नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस सेवन न्यूज। जैसा कि बता दें कि अभी हम सीवान 2 नंबर अड्डा पानी टंकी के पास हैं और जस्ट वहां से एक आईटी सेक्टर में, मेरा नाम आरके पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का नाम क्या? इंस्टीट्यूट आईटी सेक्टर है। ये कहाँ, मतलब ये कहाँ? न्यू दिल्ली बैंगलोर इसका हेड ऑफिस है। न्यू दिल्ली एंड बैंगलोर इसका हेड ऑफिस है, जो लोकल में हो गया इसका पटना ब्रांच है। ठीक है, हेड ब्रांच इसका पटना बिहार का। ठीक है, और इसे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो इन लड़कियों का गलत फहमी थोड़ा सा हुआ है उसमें, तो थोड़ा सा इनको लग रहा है मिसबिहेव किया गया है। ठीक है, मतलब क्या मिसबिहेव लग रहा है? ये कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैंने जब तक आप राजी ना हो आपसे कैसे पैसा लिया जा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं होता है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि आज एडमिशन ली और ये कल के डेट में आ रही है, बोले उनको नहीं करना है, तो हमारा तो प्रोसेस आगे बढ़ चुका होता है। हमारा पोर्ट, अच्छा, ये कितना दिन पहले से ये काम हो, ये हमारा पूरा 23 साल से चल रहा है ना? वो ठीक है, 23 साल से चल रहा है। ये लड़की जो आकर एडमिशन लिए, लगभग 10 दिन से, दस दिन में आपने एडमिशन करा दिया? जी, एडमिशन हुआ। फुल पेमेंट भी नहीं जमा किया? कितना पेमेंट जमा? पेमेंट आप कितना दिए हैं? 11,500 कुछ, 11,500। फिर ये रिफंड मांगने आई आपसे, हाँ, तो आपने क्या जवाब? क्या इनका जवाब? मैं यही बोलेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। देखिए, आज 12 बजे तक समय था हमारे पास। ठीक है, कल सैटरडे था तो संडे को, सैटरडे को छुट्टी, जल्दी जल्दी छुट्टी होता है, समझ रहे हैं ना आप? जल्दी छुट्टी होता है चले जाते हैं सभी लोग। ठीक है, कल लगभग हम लोग रुके हैं 2 बजे तक, 2 बजे तक यहाँ से गए हम लोग, क्योंकि 12 बजे तक हमको छुट्टी हो जाता है, हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन 2 बजे तक हम लोग रुके हैं। ठीक है, सिर्फ इनके लिए, इनका जो भी है इनको हम क्लियर कराते हैं, लेकिन ये लोग जो हुआ किसी और के चढ़ावे में आकर के, मतलब जो भी है सुनने में आया है कि जो वो कहते हैं, मतलब जो स्टूडेंट आपके हैं जी, जी, उनका आरोप है जी, कि आप लोगों ने बोला है कि जो कुछ भी कर लीजिए पैसा नहीं देंगे। क्या हम कहने का मतलब है, कागज पर जो लिखा होगा उसी पर हम चलेंगे ना, क्योंकि मनी इज नॉट रिफंड लिखा हुआ है, तो आप भी समझते हैं मनी मतलब पैसा नहीं मिलेगा जो जमा करेंगे। उससे पहले आप समझाए थे थोड़ा सा, एक मिनट बाबू इधर रहते, आपने जो ये बोल रहे हैं कि कागज पे सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े थे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम के पड़ेगा। के किस क्लास में है? हम मतलब 2024 में पूरा फाइनल होगा इंटर का एग्जाम, 24 में फाइनल हो गया। 10 का एक सर्टिफिकेट लिया गया, लिया गया दोनों रेगुलर से। आपकी बेटी का नाम क्या? एक काजल, इधर काजल कुमार, इधर यहाँ काजल कुमार। किस क्लास में एडमिशन करा? कॉलेज में, इंटर के लिए। जब इंटर में आप एडमिशन कराए तो जो स्कूल में एडमिशन कराए उस स्कूल का अपना नाम भर गया है? आप जानती हैं? इससे पूछिए, आपने तो छानबीन किया होगा ना किस स्कूल में हम पढ़ते हैं, एडमिशन कराने जा रहे हैं? कुछ पता नहीं, हमको ये भी पता नहीं था कि स्कूल का, सब फ्रेंड बोली कि यहाँ आओ यहाँ जाओ, ऐसे ऐसे हुआ, बस बोल दी तो आप आ गए। कैसे सर कमीशन मिलता है इन लोगों को भी? सर इन लोगों को कमीशन मिलता है? क्या होता है कि एक पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सयूज है। एक एडमिशन 18,500 उसके बाद से जो व्यक्ति करवाता है एडमिशन उन लोगों को 500 रुपये की लालच दी जाती है कि आप अगर एक एडमिशन करवाते हैं तो आपको 500 रुपये दी जाए। वो आपके कोचिंग में चलता है? ठीक है, उसके बाद से जब 2 एडमिशन हो जाता है तो 1,000 रुपये मिल जाता है उस स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट को मिलने के बाद ई लोग बोलता है कि जाकर पकड़िए किसी न्यू स्टूडेंट को और मेरे पास लेकर आइए। वो बच्चा किसी बच्चे को पकड़ता है और उससे कैसे भी करके उसका एडमिशन ले लिया जाता है, मतलब नेटवर्क बनाया गया। हाँ, नेटवर्क बनाया गया। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जैसे हो पहले ज़बरदस्ती हो तो ज़बरदस्ती, जिस तरह से हो एडमिशन ले लिया जाता है। एडमिशन लेने के बाद वही होता है कि फिर इन लोग का उसमें कमीशन, इन लोग का पता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं ये लोग वहाँ से सैलरी मिलती होगी ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग ये लोग हायर किए हुए हैं तो इनकी सैलरी क्या है? सैलरी नहीं मिलती है, इन लोगों को कमीशन मिलता है एक स्टूडेंट पे, पता कीजिए बात कीजिए। सैलरी कितनी है सर? हम तो आरोप ये भी लगा सकते हैं आप जो कोचिंग चलाते हैं वहाँ पे काम करता है, अभी हमारे जैसे कि इन्होंने, आप भी देते हैं? हाँ, इनको देते हैं, आप बता सकते हैं कि सैलरी जैसे पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी यहाँ सैलरी हमारा 12,700 12,700। तो आप लोग ये बता रहे हैं कि नेटवर्क जैसे आप लोग चला रहे हैं, इतना में इतना पैसा, आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं? इनके कोचिंग में चलता है जैसे आप जो कोचिंग नहीं पूछे, कौन लड़की से बोली थी? अच्छा, वैसे ही काम वो लड़की बोली है, वो तो सर नहीं तो बोली है। क्या उसको बोली, क्या बोली? पैसा भी मिलता है? हां बोली, पैसा दिया जाता है, मतलब बोला गया कि वो सर है ना,
बोले कि हम ही करवा देते लेकिन हम नहीं जा पाएंगे तो मीटू करवाएगी, ऐसा बोला गया। अच्छा मीटू करवाएगी। हाँ। अगर मतलब यहाँ पे आप भी एडमिशन ले लेती हैं अगर दूसरे को लाती तो आपको 500 रुपये मिलता है। देखिए जिस तरह से इंस्टीट्यूट में अब कहा जाए तो लूट खसोट या इनका आरोप, ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, यश सेवन न्यूज के साथ। धन्यवाद।